एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अपने अपने घरों में एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड मैं भी ठीक हूँ। तो वीडियो आज का मैंने स्टार्ट कर दिया है एंड आज का वीडियो बहुत ही अच्छा वाला होने वाला है। सो गाइस, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना। एंड पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। अगर कमेंट ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। और सो जस्ट आप यहाँ पे गाइस देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे, ये हमारे यहाँ तो इसको सिंदरौटी या सिंदरौटा ऐसे बोला जाता है, आप लोग यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता है। तो ये सिंदूर वाला, बट ये इसको मैंने बहुत दिन से इसमें रखना बंद कर दिया क्योंकि वो थोड़ा सा ये टाइटली खुलता है, और जब से आयुष हुआ ना तो मुझे डर लगता था कि कहीं फैला ना दे खुल जाए। तो इस बार मैं सिंदूर, अभी जो भले माता से मतलब घूमने गए थे हम लोग, वहाँ से लेके आए। ये तो मंदिर का सिंदूर है, तो इसको मैं ना एक अभी क्रीम की डिब्बी खाली हुई मैं उसमें इसको रखे ले रही हूँ, क्योंकि इसमें ना मेरे को बहुत आसानी से ये मूव के खुल भी जाता है और फैलने की भी कोई चांसेस नहीं होते। उस सिंदूरौटी में तो फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते थे, इस वजह से अभी मैंने ये जो छोटी छोटी सिंदूर की डिब्बी अलग अलग कर ली है, जैसे ऑरेंज कलर का अलग कर लिया, रेड कलर का अलग कर लिया, तो अभी इसमें पैक कर लिया है। और मतलब बहुत ही ज़्यादा ठीक रहता है मुझे लगता है इसमें पैक करना। तो अभी बस यहाँ पे सिंदूर वगैरह देखो मैंने लगा लिया है उसको पैक करने के बाद। एंड अभी मतलब जो हमारे वीडियोस, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो हमारे चैनल पे, हमारे वीडियोस पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, और अपना सपोर्ट और साथ यूं ही बनाए रखिए। तो यहाँ पे मैं आरुष को बना के दे रही हूँ, ये गार्लिक ब्रेड है, उसको ब्रेड खानी है। तो बोल रहा था कि बर्गर खाना, बट बर्गर तो है नहीं, तो फिर मैं ब्रेड को ही सॉसेस वगैरह मेयोनी लगा के, पहले मैंने सोचा था इसमें वेजीज रख देती हूँ लाइक कुकम्बर और अनियन वगैरह कट करके, तो फिर मुझे लगा पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा। तो फिर मैंने उसको सिंपल सा मतलब जो पिज़्ज़ा सॉस होता है, थोड़ा खट्टा मीठा तो उसमें होता ही है टेस्ट, एंड सॉल्टी भी होता है, उसके साथ मैंने एक में पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे और एक साइड मैंने मेयोनी लगाई हुई है। काफ़ी अच्छा टेस्ट बन जाता है, बस वेजीज की कमी रह जाती है एक तरह से, जो हमारी वेज सैंडविच है उस तरह से वही वाला टेस्ट आ जाता है। गार्लिक ब्रेड में वैसे ऑलरेडी गार्लिक का टेस्ट होता ही है, बटर वगैरह था नहीं, तो फिर मैं इसको यही लगा के दे दूँगी। तो चलिए मैं इसको लगा के दे देती हूँ फटाफट से। एंड यहाँ पे ये बाबूजी देखो बहुत ही प्यार से खा भी रहे हैं और इनकी स्टडी चल रही, तो मैंने बोला पहले अच्छे से खा लो बैठ के। तो इनको ढंग से खाना खाना अभी भी नहीं आता है, स्कूल जाने लगे थे तो थोड़ा बहुत खाने भी लगे थे, फिर से 1 महीना जब से हो गया छुट्टी हुई हो तब से इन्होंने फिर से खाने से मतलब इनको प्रॉब्लम होने लगी है, फिर से इनको हाथों से खिलाना पड़ता है। अभी ये स्कूल जाएंगे ना तो इनको फिर से परेशानी होने वाली है। तो मैं सभी बर्तन वगैरह मतलब जो पढ़ाती हूँ तो रख के आ गई हूँ किचन में, अब बाकी जो हमारे छोटे मोटे से काम है ना उनको निपटा लेती हूँ। पता है गाइस, मतलब अगर आप बैठ जाओ ना, रेस्ट ले लो, तो काम फिर आपके पेंडिंग पड़े ही रहते हैं, और मेरे जो मॉर्निंग के काम है ना बड़ी आसानी से इसीलिए सारे काम निपट जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि मैं बैठती नहीं हूँ, मतलब मुझे जब तक मेरे काम पड़े होते तब तक मुझे लगता है मैं फटाफट से ये भी निपटा लूँ वो भी। तो मतलब जो कॉल क्लीनिंग वगैरह है, ब्रेकफास्ट का है, वो सारा कुछ हमारा हो ही गया था। अभी जो थोड़े बहुत काम बचते हैं लाइक देखो ड्रेसिंग टेबल का जो शीशा है, इसकी क्या आरुष ने हालत कर रखी है, इसकी यहाँ पर ये पूरी तरह से कबाड़ा किए रहते हैं, तो इसको मैं भी पूछूंगी, क्योंकि इनकी आधे से ज़्यादा जो ड्राइंग पेंटिंग है ना इस शीशे पर ही बनती है एज यूजल, हमेशा की तरह। मतलब जैसे मैं पहले वीडियोज़ में भी दिखा चुकी हूँ क्या क्या इस पर नहीं बनाते हैं, तो मुझे बहुत टाइम लगता है इसको साफ, मैं साफ करती रहती हूँ क्योंकि ये गंदे गंदे हाथों से होता है, उसी हाथ से शीशे पे अपनी शक्ल देखता है, कभी मारता है उसमें, कहीं कुछ करता है, बस यही सब रहता है। तो अभी मैंने इसको पहले गीले कपड़े से पोछा, अभी सूखे से पोछ दिया है, तो बिल्कुल भी ऐसा पैची नहीं, स्पॉट ऐसा कुछ नहीं लगेगा, अभी एकदम क्लीन हो जाएगा। तो ये सब छोटे छोटे से काम होते बहुत आसानी से। टेबल वगैरह मुझे बहुत बार क्लीन करनी पड़ती, एक बार की बात नहीं बोली, बहुत ही बार मुझे क्लीन करनी पड़ती है। एंड उसके बाद अभी मेरे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, तो इन सबको भी डाल देती हूँ जाके, और हवा लग जाएगी थोड़ी सी जल्दी से। तो कपड़े वगैरह का तो ऐसे रहता है, थोड़ा सा मैं वॉशरूम में 1 घंटे के लिए छोड़ ही देती हूँ, तो पानी जो है ना इजिली यहीं पे ही नहीं छोड़ जाता है, तो फिर ये बाहर ले जाओ तो वो टपकता वगैरह भी नहीं है पानी कपड़ों से, और यहीं आराम से निकल जाता है। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ फटाफट से कपड़े,
कुछ लोगों को पता है, मैं लेडीज़ को देखती हूँ, वो दो दो तीन तीन बजे तक दिन में काम करती रहती हैं, उनके काम ही नहीं ख़त्म होते। मतलब कुछ लोग हमारे सामने, मतलब उनकी 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे तो उनकी पूजा होती है। इस तरह के भी लोग हैं, पता नहीं कैसे ही मतलब चीज़ों को मैनेज करते, मुझे समझ में नहीं आता। मेरे काम जो है मैक्सिमम, मतलब मेरे को लगता है 11:30 तक हो जाते हैं सारे काम, कभी कभी सारे काम मतलब लगा लो। अगर कुछ ज़्यादा काम नहीं करने होते घर में, मतलब ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी, कुछ ऐसा नहीं करना है, आरुष की वजह से थोड़ा ऑलरेडी रहता, अदरवाइज तो मैं 10:30 तक फ्री हो जाती हूँ, 10 10:30 तक मैक्सिमम। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत रेस्ट भी ले लेती हूँ, यूट्यूब को भी टाइम देना पड़ता है, वीडियोस वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो मतलब ये सारे काम भी हमारे हो जाते हैं। मतलब अगर आप बैठो नहीं ना कंटिन्यू अपने काम को करना चाहो, तो आप कितने काम भी दिन में कर सकते हो। अगर आपको आलस खा गए नींद थोड़ी देर, यहाँ बैठे रहते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, तो समझो आपके सारे काम फिर लेट होने ही हैं। तो अभी यहाँ पे देखो कपड़े वगैरह जो कल के थोड़े से गीले से थे, तो उनको भी उठा लाए, इनको भी तय लगा के अलमारियों में रख देते हैं फटाफट से। यहाँ पे ये यार उसकी बुक्स वगैरह हैं, पेंसिल है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बेड पे भी अब उठा के रख देते क्योंकि ये पढ़ चुके हैं। और तो ये पेंसिल वगैरह यहाँ पे शार्प करते रहते, तो उसकी जो है ना गिरती रहती है शार्प करके, उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आई डोंट नो, तो उसको मतलब क्लीन कर देते। देखो अभी उधर एक पेपर उड़ ही रहा है, तो उसको चढ़ के उठाना पड़ेगा। तो बस इसको मैंने जो चादर बेडशीट रखी हुई थी, मैंने उसी से, उड़ने वाली बेडशीट नहीं है, तो फिर मैंने उसी से ही बेड को झाड़ दिया है। एंड यहाँ पे बस मैं अभी जो साड़ी वगैरह पहनते रहते हैं, एक दो कपड़े ऐसे होते हैं, मतलब मेरे जो कपड़े होते हैं कॉटन के सूट वगैरह, मैं कभी जब लगता है बहुत फ्रॉक सूट है कुछ ऐसे, तो मैं वो प्रेस करने के लिए बाहर के लिए देती हूँ। अगर जो चीज़ें मैं हैंडल कर सकती हूँ तो मैं घर पर कर लेती हूँ। अब ये साड़ी वगैरह पहन रहे हैं आजकल थोड़ा सा, तो फिर अब इन पर 40 रुपये लेता है एक साड़ी पर चरक करने में, तो यार 40 रुपये बहुत होते हैं। मतलब एक साड़ी को डेली चरक कराओगे पहनोगे तो हो गया बस मेरा काम। तो बस अभी मैंने टारगेट किया है कि मैं जो साड़ी पहनूंगी ना, तो मैं उसको खुद से, क्योंकि इतनी ज़्यादा थोड़ी ना गंदी होती, कुछ ऐसा होता है प्रेस धुल भी धुल के प्रेस लगा के रख देंगे, फिर एक दो बार जब पहन लेंगे तो उसके बाद फिर चरक करा लेंगे इसको, एक बार और पहन लेंगे फिर उसके बाद देखेंगे, फिर चरक करा के रखेंगे। तो अभी मैं इसको प्रेस लगा के रखे दे रही हूँ। और ये जॉर्जेट की साड़ी थी, तो फिर इस पर जॉर्जेट के कपड़ों पर तो प्रेस करने में वैसे ही दिक्कत नहीं होती, चिपकने वगैरह का भी कोई टेंशन नहीं होता है। तो बस मतलब मेरा है कि मैं कपड़ों के, जो हमारे नए कपड़े हैं उनको मैं बगैर कभी प्रेस लगाए, बगैर कुछ ऐसे कि कभी भी नहीं रखती हूँ। मतलब मुझे, क्योंकि जब पहनने चलो और कपड़ा गुजड़ा गुजड़ा सा निकले तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना, मतलब कि जब पहनने चल रहे हो, तो फिर वो इसको मैं अच्छे से प्रेस लगा के और अच्छे से पॉलीथीन में पैक करके उसके बाद ही मैं इसको रखूँगी। फाइनली आप गाइस देख सकते हो, तो यहाँ पे मतलब पूरी साड़ी जो हमारी प्रेस हो गई थी, इसको अच्छे से हमने तय लगा लिया है। और तय लगाने के बाद अब इसको अच्छे से चिपका देंगे, जो मतलब कि तो फिर ये बिल्कुल इधर उधर से मतलब एकदम सेट हो जाती है। ऐसा नहीं साड़ियों पे प्रेस भी की जाती है, हर साड़ी पे चरक चरक ही थोड़ी ना कराते, लोकल में तो लोगों को पता भी नहीं होता, मुझे भी नहीं फाइनली मतलब पहले तक पता था कि चरक भी होता है साड़ियों पे, ऐसा कुछ होता है। तो ऐसे ही है यार, बहुत लोग तो प्रेस भी नहीं करते, जितना मेंटेन कर सकते हो बस करना भी चाहिए। मुझे लगता है कि जितना आप अपनी चीज़ों को मेंटेन करोगे, जितनी आप चीज़ों को कदर करोगे, उतनी ही चीज़ें आपकी अच्छी रहती हैं। मुझे लगता है कि हर एक चीज़ की कदर करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कपड़ा हो या कोई इंसान हो या घर की कोई चीज हो, कुछ भी हो, एक्स वाई ज़ेड। तो गाइस अभी मेरे जो सुबह के जो काम है वो लगभग निपट चुके हैं। अब मेरे काम है अभी दोपहर का, मतलब लंच वगैरह बना रखा है, रोटियां वगैरह थोड़ी बहुत सेकनी होंगी, एंड खिलाना पिलाना है बस, आरुष को खिलाना, उसको ध्यान रखना है। आरुष को भी पढ़ा दिया है, मॉर्निंग के अपने काम भी ख़त्म कर लिए जो मुझे करने थे, और मैंने भी मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह का सारा हो ही गया है। तो अभी फ्री हूँ मतलब आधा घंटे के लिए, तो अभी जा रही हूँ मैं पहले कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 12
12:15 करीब टाइम हो गया, मैं 1:15 बजे के बाद लंच, आज मेरा पेट ना बहुत पता नहीं हैवी हैवी सा लगा, अजीब सा लग रहा है तो, और मैंने पपीता वगैरह भी नहीं खाया अभी, सब ऐसे ही रखा हुआ है, मन ही नहीं कर रहा है आने का, तो अभी मैं जा रही हूँ कॉफ़ी पीने के लिए। और जब बहुत ज़्यादा थके हुए होते हो, कुछ ऐसा होता है ना, मतलब मेरे साथ पर्सनली ऐसा है कि जब मेरे को बहुत ज़्यादा थकान लगती है, मैं बहुत थोड़ा मेंटली भी परेशान होती हूँ, कुछ ऐसा होता है ना, तो मेरे लिए कॉफ़ी जो है ना, मतलब एक ऐसी चीज़ है कि मतलब मुझे ना बहुत सुकून मिलता है, कि मैं जैसे चाय हो गई कॉफ़ी हो गई, तो चाय तो सुबह शाम को मेरा नशा रहता है, बट कॉफ़ी का जो दोपहर वाला होता है ना सीन, वो मेरे को कॉफ़ी वाला अच्छा लगता है, मतलब उस टाइम पे चाय पीने का इतना ज़्यादा नहीं लगता है। हाँ, जब सुबह मॉर्निंग उठते हैं तो चाय चाहिए, शाम को अगर मतलब जैसे 4 से 5 के बीच घड़ी इधर उधर सुइयाँ होती हैं, तो मेरे को चाय की तो अलग ऑटोमेटिकली जैसे ना सीढ़ियों को नशा होता है ना, इस तरह से चाय का लगने लगता है कि अब चाय मिले, अब चाय मिले वाला होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर आराम से बैठ के सुकून से चाय पीऊँगी, और चाय पीने से सच में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलता है मेंटली भी, और थकान भी खत्म होती है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में, पहले बनाते हैं चल के कॉफ़ी। और गाइज, आप लोगों से एक छोटी सी बहुत मतलब बात क्या करनी यार, सिंपल सा है कि बहुत ही मेहनत से वीडियोस को बना रही हूँ, बहुत ही सारी चीज़ें मेरी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अभी फ़िलहाल, और शेयर अगर कभी लगा तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि हर चीज़ को अभी सोशल मीडिया पे बताना मतलब मेरे को थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है, मेरे लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंज खड़े हो जाएंगे फिर उसमें, और जो मेरे लिए मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होने वाले हैं, तो अभी मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे। अगर हाँ मौका मिला कभी इन फ्यूचर सब कुछ ठीक रहा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिलहाल तो यही है कि चलिए कॉफ़ी बनाते हैं, और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह से अपना साथ देते रहिए, क्योंकि आप लोगों के साथ एंड प्यार की रियली मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और इस चीज़ को सिर्फ हम समझ सकते हैं। तो चलिए पहले कॉफ़ी बना लेते हैं, फिर करते बात, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा बात हो जाएगी। चलिए किचन में। पता है गाइस, यहाँ जब से किचन में चिमनी लग गई ना, तब से बड़ा आराम हो गया, मतलब इतना भी साउंड भी नहीं करती है, और प्लस मुझे लाइट की जो है ना वो थोड़ा सा गैस के ऊपर जो परफेक्ट लाइट मिलनी चाहिए वो मिलने लगी, तो ये बहुत ही अच्छा है। और मैं जो मतलब कॉफ़ी है मैं हमेशा पाउच वाली रखती हूँ घर पे, 10 रुपये, 5 रुपये या फिर 2 रुपये वाले जो पाउच आते हैं ना उनको रखती हूँ, क्योंकि ख़त्म हो जाते हैं, और बड़ा डब्बा मंगा लो ज़रा से भी उसमें एयर लग जाए, कुछ लग जाए ना, तो फिर वो सूख जाती है, मतलब फिर वो तो डालना ही इम्पॉसिबल सा है। अब बस आराम से बैठ के मैं यहाँ पे पी रही हूँ कॉफ़ी, कॉफ़ी इन्जॉय करूँगी, और साथ साथ में आप लोगों के जो कमेंट्स आते रहते हैं, मतलब ये सुकून के है ना, इंसान हर एक इंसान को थोड़ा सा अकेले बैठ के शांति से अपने बारे में सोचना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और बहुत अच्छा लगता है मुझे, पता है, खुद से अकेले बैठ के, खुद से अकेले में बातें करना, मतलब अपने बारे में सोचना या लोगों के बारे में सोचना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ा सा जैसे मैं पहले भी बिफोर मैरिज भी ऐसा नहीं, अभी मैं इतना सोचने लगी, पहले भी कभी कभी ऐसा होता था, मुझे सुकून के पल बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, मैं अकेली बैठ जाती थी, लाइक हॉस्टल में रहती थी, मैं अकेले स्टेयर्स पर बैठ जाती थी, बालकनी में खड़ी हो जाती थी, या विंडो वगैरह लगी तो वहाँ खड़ी हो जाती थी, तो ऐसे करती थी। तो गाइस, होप मेरा वीडियो पसंद आए, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब, एंड फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो वीडियो में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू गाइस, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।